हाय फ्रेंड, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश। और आज मैं आप लोगों को ट्वेल्थ के 50 मार्क्स इंग्लिश के फर्स्ट लेशन और वन सिविलाइजेशन का मैं क्वेश्चन और आंसर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस जितने भी हमारे वीडियोज आपको मिलेगा वो टोटली आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। तो आपके अगर आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और काफ़ी आप इसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हो, शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सो हाउ ए पर्सन रिलाइज ऑन मशीनरी इन हिज डेली लाइफ, गिव फॉर एग्जाम्पल। क्वेश्चन है कि सो दिखाइए हाउ ए पर्सन रिलाइज ऑन मशीनरी इन हिज डेली लाइफ, कि कैसे एक व्यक्ति जो है अपने रोजमर्रा के जिंदगी में मशीन के ऊपर कैसे वो निर्भर रहता है, और उसके चार उदाहरण दीजिए। तो चलिए देखते हैं। इन दिस मॉडर्न एरा, इस आधुनिक युग में पीपल डू ए लॉट ऑफ वर्क बाय द हेल्प ऑफ मशीन। इस आधुनिक युग में लोग जो है मशीनों के सहायता से बहुत से काम करते हैं। एग्जाम्पल्स आर बींग गिवन बिलो, कुछ उदाहरण जो है, चार उदाहरण जो है नीचे दिए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें पहला है, वी गेट न्यूज फ्रॉम टेलीविजन। हम लोग न्यूज़ जो देखते हैं वो हम लोग को टेलीविजन के द्वारा हम लोग न्यूज़ देखते हैं, जो कि ये भी एक मशीन ही है। दूसरा दिया हुआ है, वी यूज मोबाइल फॉर कम्युनिकेशन। हम लोग बातचीत करने के लिए हम लोग मोबाइल का जो यूज करते हैं ये भी एक मशीन है, राइट ना। नेक्स्ट दिया हुआ है, वी गेट अप बाय द हेल्प ऑफ अलार्म क्लॉक। हम लोग सुबह में जिस घड़ी का इस्तेमाल करते हैं उठने के लिए, अलार्म वाली घड़ी का, वो भी जो है एक मशीन है जो हम लोगों को सुबह में उठने में मदद करती है। और फोर्थ दिया हुआ है, वी यूज सेफ्टी रेजर फॉर सेफ। और जो सेफ्टी रेजर का जो हम लोग सेव करने के लिए जो यूज करते हैं ये भी एक मशीन है। तो यहाँ पे मैंने चार एग्जांपल्स जो मैंने दिया हुआ है, जो इंसान लगभग लगभग अपने दैनिक जीवन में इसका यूज करता ही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डू मेन इन्वेंट मशीन बिकॉज दे आर लेजी। क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्या इंसान मशीन का आविष्कार करके वो आलसी हो गया। तो आंसर है नो, मेन डोंट इन्वेंट मशीन बिकॉज दे आर लेजी। नहीं, इंसान जो है मशीनों को आविष्कार करके आलसी नहीं हुआ, क्योंकि दे आर नॉट लेजी, वे आलसी नहीं है। क्यों? दे आर रेस्टलेस एंड एनर्जेटिक इन ऑल लिविंग क्रिएचर। जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी लिविंग क्रिएचर है उसमें सबसे ज्यादा जो रेस्टलेस और एनर्जेटिक जो है वो इंसान ही है। सो दे इन्वेंटेड मशीन बिकॉज दे कुड डू देयर वर्क इन लेस टाइम। इंसानों ने मशीन का आविष्कार इसलिए किया क्योंकि वे जो है कम समय में, लेस टाइम का मतलब होता है कम समय में वो अपने काम को कर सके, राइट ना। इसीलिए इंसान ने जो है मशीनों का आविष्कार किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, वाई आर ऑर्डर एंड सेफ्टी नेसेसरी फॉर सिविलाइजेशन। सुरक्षा और व्यवस्था हमारे सभ्यता के लिए क्यों आवश्यक है?
नेसेसरी के मतलब होता है आवश्यक है, और सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता। तो सुरक्षा और सभ्यता हमारी सुरक्षा और व्यवस्था हमारी सभ्यता के लिए क्यों जरूरी है? आंसर नीचे दिया है, ऑर्डर एंड सेफ्टी आर नेसेसरी फॉर सिविलाइजेशन। सुरक्षा और व्यवस्था हमारी सभ्यता के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि विदाउट देम, इसके बिना और सिविलाइजेशन वुड नॉट बी पॉसिबल, हमारी सभ्यता जो है संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? कि नीदर वन कैन डू वन्स वर्क और नॉर और सिविलाइजेशन कैन बी डेवलप। ना तो कोई अपना काम जो है ठीक तरीके से कर सकता है और ना ही हमारी सभ्यता का विकास हो सकता है सुरक्षा और व्यवस्था के बिना। सही बात है दोस्तों कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो आज कहीं पे भी जाते हैं तो हमको जो है ये फ्री में मिल जाता है, सुरक्षा और व्यवस्था और कानून भी हमारे लिए फ्री में है, और इसकी बदौलत जो है हम अपना काम को सही तरीके से और प्रॉपर ढंग से हम कर पा रहे हैं, राइट ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू थिंक दिस सेंटेंस मींस, इस सेंटेंस से आप क्या समझते हैं? प्रीवियस सिविलाइजेशन वर स्पेशलाइज्ड एंड लिमिटेड। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वेश्चन से आप क्या समझ रहे हैं? जो प्रीवियस का मतलब होता है पुरानी, प्राचीन, जो पहले वाली जो सभ्यता था, सभ्यता था वेयर स्पेशलाइज्ड और लिमिटेड, वो कैसी सभ्यता थी? विशेष थी और सीमित थी। स्पेशलाइज्ड का मतलब होता है विशेष और सीमित। राइट नाउ आंसर देखते हैं, प्रीवियस सिविलाइजेशन वर स्पेशलाइज्ड एंड लिमिटेड। पुरानी सभ्यताएं जो है विशेष थी और सीमित थी क्योंकि बिकॉज दे वेयर स्प्रेड इन लिमिटेड एरिया, वो एक निश्चित क्षेत्र तक वो फैला हुआ था। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, वो एक निश्चित एरिया तक फैला हुआ था। एंड दे वेयर नॉट इवन टच इन डिफरेंट सिविलाइजेशन, और दूसरी सभ्यता में जो भी डिफरेंट सिविलाइजेशन था, जो भी डिफरेंट सभ्यताएं थी, उससे वो टच नहीं करता था, उससे वो जुड़ा हुआ नहीं था। इसीलिए जो है प्रीवियस सिविलाइजेशन स्पेशलाइज्ड और लिमिटेड, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन वी गो शॉपिंग, जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, हाउ डू यू नो दैट द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ सिंगल प्लेस। तो कैसे हम जानते हैं कि दुनिया जो है एकांक हो गई है, कैसे जानते हैं? राइट ना, तो कैसे हो गया है? आंसर नीचे दिया हुआ है, व्हेन वी गो शॉपिंग, जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, वी परचेज डिफरेंट थिंग्स, तो हम अलग अलग चीजें करते हैं, कई प्रकार की चीजें करते हैं। कहां से करते हैं? इन ए सिंगल प्लेस, एक ही जगह पे हम खरीदते हैं। विच आर ब्रॉट फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्रीज, जो चीजें हम खरीदते हैं, जैसे कि एक दुकान में जाते हैं, ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, तो वहां पे बहुत सारे सामान रखी गई है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे बहुत सारे सामान है, तो ये सामान वहां पे अलग अलग चीजें अगर बिक रही है तो कहीं ना कहीं जो है अलग अलग दुकान से, अलग अलग कंट्री से भी उसको मंगाया गया होगा। लेकिन यहाँ पे जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो यहाँ तो सब सामान एक ही जगह मिल रहा है, राइट ना। तो इसलिए हमारे क्या हो गया, दुनिया एकांक हो रही है कैसे? तो दस वी कैन सी दैट द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ सिंगल प्लेस। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दुनिया जो है एकांक हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से जो चीजें आ रही है, अलग अलग देशों से जो चीजें आ रही है, हमको एक ही जगह पे वो सारी चीजें मिल रही है। कोई अमेरिका से कुछ चीजें आ रही है, कुछ नेपाल से आ रहा है, कुछ चाइना से आ रहा है, लेकिन हम उसको एक ही जगह पे अगर पा रहे हैं तो ये हमारे देश जो है, पूरा वर्ल्ड जो है, एक सिंगल होते जा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ऑल आर थिंग्स शेयर्ड आउट इक्वली इन आवर वर्ल्ड. करें कि ऑल आर थिंग्स, जितनी भी चीजें हैं शेयर्ड आउट इक्वली, क्या वो बराबर दुनिया में जितनी भी जो चीजें हैं क्या ये सभी लोगों को बराबर शेयर किया गया है, बराबर बराबर बांटा गया है? तो आंसर करें कि नो, ऑल थिंग्स आर नॉट शेयर्ड आउट इक्वली. ये सभी चीजें जो है, सभी वस्तुएं जो है लोगों में बराबर बांटा नहीं गया है. इक्वली का मतलब होता है बराबर, और शेयर का मतलब होता है बांटना. बराबर नहीं बांटा गया है इन द वर्ल्ड, दुनिया में, क्योंकि सम पीपल लिव इन लग्जरियस लाइफ. कुछ लोग जो है काफी लग्जरियस लाइफ जीते हैं, उनके पास रहने के लिए पर्याप्त घर है, आवश्यकता से अधिक है, ऐसे आराम की जिंदगी जी रहे हैं. वाइल जबकि सम पीपल हैव नॉट इनफ मनी टू ईट ड्रिंक एंड बियर. जबकि कुछ लोगों के पास हैव नॉट इनफ मनी, ज्यादा पैसे नहीं है टू ईट, खाने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, और बियर यानी पहनने के लिए. राइट नाउ एक ही कमरे में वो लोग रहते हैं, एक ही में खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास जो है उनके उनसे ज्यादा पर्याप्त मात्रा में रहने के लिए घर है. राइट ना, तो इस मामला में सभी चीजों का शेयर जो है, बंटवारा जो है, बराबर रूप में नहीं किया गया. राइट ना, आगे देखते हैं दोस्तों. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डेंजर फ्रॉम पॉलिटिकल डिविजन. करेक्ट, इस पॉलिटिकल डिवीजन से सबसे बड़ा खतरा क्या है? क्वेश्चन कर रहा है कि पॉलिटिकल डिवीजन से सबसे बड़ा खतरा क्या है. तो सबसे बड़ा खतरा यह है कि द ग्रेटेस्ट डेंजर फ्रॉम पॉलिटिकल डिवीजन, तो पॉलिटिकल डिवीजन से जो सबसे बड़ा खतरा है वो क्या है, इज वार, युद्ध है. एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, That two wars have already done. दो युद्ध जो है पहले ही हो चुका है. And these wars have destroyed lot of things and human beings as well. और ये जो युद्ध हुआ, जैसे हम लोग जानते हैं कि एक हुआ प्रथम विश्व युद्ध और एक हुआ द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो इन दोनों विश्व युद्ध में बहुत सारे चीज जो है नष्ट हो गए. लॉट ऑफ थिंग्स जो है डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, नष्ट हुए, और इंसान भी बहुत जो है इससे प्रभावित हुए. काफी लोग मारे गए थे, लाखों लोग जो है इस युद्ध में मारे गए थे. एंड इवन टुडे वी आर अफेक्टेड बाई वार, और आज भी उस युद्ध से हम जो है प्रभावित है. आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिराए गए थे, और वहां पे आज भी लोग जो है प्रभावित है. राइट ना, सो वार्स आर ग्रेटेस्ट डेंजर फ्रॉम पॉलिटिकल डिवीजन. इसीलिए वार जो है सबसे बड़ा खतरा है पॉलिटिकल डिवीजन से. राइट ना, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों. अगला क्वेश्चन है एट नंबर. तो एट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, What is the chief hope for preventing war? Chief hope का मतलब होता है मुख्य आशा, preventing का मतलब होता है रोकना, war means युद्ध. तो युद्ध रोकने का मुख्य आशा क्या है, मतलब युद्ध को कैसे रोका जा सकता है? तो युद्ध रोकने का जो मुख्य आशा है वो क्या है, और chief hope is For preventing war, that a government should be settled by the whole world. यानी कि पूरी दुनिया के द्वारा एक सरकार को निर्धारित किया जाना चाहिए. यानी कि पूरी दुनिया मिल करके एक सरकार एक बनाए, एक सरकार निर्धारित करे, और जो कोई भी देश दूसरे देश से अगर युद्ध करने जा रहा है, लड़ने जा रहा है, तो वो गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर कुछ कार्रवाई कर सके, और या फिर उसके ऊपर रोक सके. जैसा कि मैंने आपको चैप्टर में मैंने पढ़ाया हुआ था आप लोगों को,
जिस प्रकार से लोग एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अगर झगड़ा करता है तो अपना झगड़े को लेकर के वो कानून के पास जाता है और कानून उसको जो है सही फैसला करता है। तो इसी प्रकार जो है पूरी दुनिया मिल करके एक सरकार बनाए और तभी जा करके जो है युद्ध को रोका जा सकता है। ओनली इट इज अ चीप होप फॉर प्रिवेंटिंग वॉर। और ये हमारे लिए सिर्फ यही एक आशा है, सरकार बना करके ही हम युद्ध को रोक सकते हैं, यही हमारे लिए एक आशा है। राइट नाउ आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, आर मशीन्स ऑलवेज इजी टू कंट्रोल। क्या मशीन को कंट्रोल करना हमेशा हमेशा जो है आसान होता है? तो इसका सिंपली आंसर है नहीं। क्यों? मशीन्स आर नॉट ऑलवेज इजी टू कंट्रोल। मशीन को कंट्रोल करना मतलब नियंत्रित करना हमेशा आसान नहीं होता। वेन वी डिपेंड ऑन देम, जब हम मशीन के ऊपर निर्भर होते हैं, दे बिकॉम आवर मास्टर्स, वह हमारे मालिक बन जाते हैं। मास्टर का मतलब होता है मालिक। एंड दे ऑल्सो बिकॉम आउट ऑफ कंट्रोल, और वो नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। सो वी कैन सी डेट मशीन्स आर नॉट ऑलवेज इजी टू कंट्रोल। इस प्रकार से हम इसीलिए हम कह सकते हैं कि मशीन को हमेशा कंट्रोल करना जो है आसान नहीं होता, अगर जब तक हम उसको प्रॉपर तरीके से सही तरीके से देख रेख कर रहे हैं, उसमें जो भी मशीन है चाहे वो जिस चीज से भी चलता है, अगर पूरा उसका टेक केयर नहीं किया गया, पूरा रूप से उसका देख रेख नहीं किया गया, तो निश्चित रूप से जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। राइट नाउ आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, 10th नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर, हाउ शुड मैन स्पेंड हिज टाइम एंड एनर्जी। यहां पे एन जो है छूट गया है, तो इसका मतलब हुआ कि यहां पे मेन होना चाहिए। तो लोगों को अपने समय और ऊर्जा को किस प्रकार से जो है खर्च करना चाहिए, बिताना चाहिए। स्पेंड का मतलब होता है बिताना। आंसर है वी शुड स्पेंड टाइम एंड एनर्जी फॉर डूइंग ग्रेट एंड मेकिंग ब्यूटीफुल थिंग्स। हमें अपना समय जो है और एनर्जी अच्छे कामों में बिताना चाहिए और बेहतरीन चीजों को बनाने में जो है हमें अपने समय को बिताना चाहिए। वी शुड ट्राई टू, इधर टू अंदर चला गया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टू है। वी शुड ट्राई टू रिमूव क्वेरल बिटवीन टू कंट्रीज। हमें जो है हमेशा कोशिश करना चाहिए दो देशों के बीच में जो झगड़े हमेशा होते रहते हैं उसे रिमूव करने का हमें कोशिश करना चाहिए। हमें ये कोशिश करना चाहिए कि कोई देश जो है दूसरे देश से झगड़ा ना करें। सो डैट वी कुड लिव पीसफुली, ताकि जो है हम शांति पूर्वक रह सकें। तो लेखक यही कह रहे हैं कि हमें जो है अपना समय और ऊर्जा जो है अच्छे कामों में व्यतीत करना चाहिए, और ताकि जो है हम अपने जीवन को शांतिपूर्ण से रह सके। समझ में आया दोस्तों? अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, हाउ अकॉर्डिंग टू C.E.M जॉर्ड इज मॉडर्न सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम वर्ल्ड वन। C.E.M जॉर्ड के अनुसार जो पुरानी जो सभ्यताएं थी उससे कैसे भिन्न है, कैसे अलग है। डिफरेंट का मतलब होता है अलग। तो अकॉर्डिंग टू C.E.M जॉर्ड, C.E.M जॉर्ड के अनुसार, अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार,
सीएम जोड़ के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन इज अ टोटली डिफरेंट फ्रॉम वर्ल्ड वन. जो मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है, आधुनिक जो सभ्यता है, पुरानी सभ्यता से बिल्कुल भिन्न है. कैसे? वर्ल्ड वन भिन्न है. कैसे? बिकॉज इट इज फुली डिपेंड ऑन मशीन्स. ये पूरी तरीका से जो है मशीन पर निर्भर है. आधुनिक सभ्यता जो है ये पूरी तरीका से जो है मशीनों के ऊपर निर्भर है. एंड स्प्रेडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. और ये पूरी दुनिया में फैली हुई है, पूरी दुनिया में फैली हुई है. वाइल का मतलब होता है जबकि ओल्ड सिविलाइजेशन हैड नो मोर मशीन्स. पुरानी सभ्यता में उतने ज्यादा मशीन नहीं थे, बहुत कम मशीन थे. एंड इट वॉज स्प्रीड ए सर्टेन एरिया. और वो एक निश्चित निश्चित एरिया तक जो है वो फैला हुआ था. तो इसीलिए जो पुरानी सभ्यताएं जो थी, नई सभ्यताएं जो है वो पुरानी सभ्यताएं से बिल्कुल भिन्न है. समझ में आया दोस्तों? तो ये आपका क्वेश्चन रहा. और हमारा वीडियो कैसा आपको लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं. और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें. और कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट को जरूर लिखे, ये लिखे कि आप ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है. अगर अच्छा लग रहा है तो भी आप लिखे, अगर खराब लग रहा है तो भी आप लिखे. इससे उत्साह मिलता है ताकि और भी हम अच्छे तरीके से इस वीडियो को बना सकें. समझ में आया दोस्तों? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.